अच्छी तरह से याद रखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं कि क्रियायोग बहुत ही जरूरी है अगर क्रिया योग नहीं करेंगे तो सारी मनोकामनाएं धरी के धरी रह जाएंगी वो पूरी नहीं होगी क्रियायोग है क्या इसमें हम एक सोचते हैं मन से जो सोचिए जो सही हो कि मेडुला है ये मेडला के अंदर एक शक्ति केंद्र है जिसको नाभि केंद्र कहते हैं वहाँ पर एक प्रेम केंद्र है जिसको कूटस्थ कहते हैं उसके अंदर शक्ति है क्षमता है कि सारे पावर को इकट्ठा करती है सारी शक्ति ज्ञान शांति आनंद इन सब को इकट्ठा करती है उसको क्रिएटिव प्रिंसिपल कहते हैं उसको सृजनात्मक तत्व कहते हैं उसको इकट्ठा करके वो पूरे सिर और में भर देती है ब्रेन और स्पाइनर कार्ड में भर उठा फिर यहाँ से बाहर की तरफ जाता है उसी से हम लोग काम करते हैं लेकिन बाहर की तरफ करंट यहाँ देखिए दो कंडीशन है एक में टोटल दस करंट है दो बाहर गई आठ लौट करके आई एक में आठ करंट बाहर गए दो लौट करके आई दोनों में अंतर क्या है इस पहली वाली में जिसमें करंट आठ बाहर गई दो लौटी हमेशा हर काम कठिन लगेगा ये काम करना है कैसे करें बड़ा कठिन है कितने दिन लगेगा और कितना समय लगेगा कोई सरल काम दीजिए ऐसा काम दीजिए जो बहुत आसान हो करना ये प्रवृत्ति है काम करना हो उठना पड़े तो उठने का मन न करे और काम कर रहे हों कहा जाए काम रोक दीजिए तो टेंशन हो बताइए अभी काम पर लगे थे मन लगा था अब कह रहे न करिए तो टेंशन हो गया इस तरह का वातावरण होता है इस समय लेकिन जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो जो नंबर दो है ये वातावरण बनता है इसमें क्या है दो करंट बाहर जा रही है और आठ लौट रही है ये आठ लौट रही है दो बाहर जा रही है इस समय क्या होगा कोई काम करना होगा से उठ पड़ेंगे काम कर रहे हैं इसको छोड़ करके कुछ और करना होगा कोई टेंशन इसको छोड़ के उसको करने लगे कोई काम कर रहे हैं लगा है बहुत अच्छी तरह से पता चला उसको तुरंत छोड़िए और ये करिए तो टेंशन नहीं होगा इस पहले वाले में क्या है किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा था जब मन लगा उसमें एकाग्र हो गए अच्छा लगने लगा फिर तुरंत कोई कहता है इसको बंद करके ये करिए टेंशन होता है काम करने को कहा जाए तो टेंशन जब करने लगे उसमें लीन हो गए हटने को कहा जाए तो टेंशन जब क्रिया का अभ्यास करते हैं तो दो वाली स्थिति आती है इसमें काम करने को कहा गया तुरंत करने लगे कोई आलस्य नहीं और बड़ा क्वालिटी वर्क हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है अचानक कहा गया इस काम को बंद करिए कोई दिक्कत नहीं बंद करके दूसरा करने लगे और दूसरे कंडीशन में ये नहीं पूछते हैं कि कितना समय लगेगा चाहे जो समय लगे सबसे जो कठिन काम वो दीजिए हमको और पहले वाले में क्या है भाई कोई सरल काम दीजिए नौकरी ऐसा करेंगे जिसमें काम कम करना पड़े दूसरे वाले में क्या है ऐसी नौकरी जो कठिन से कठिन हो सबसे कठिन काम है वो दीजिए जो महात्मा गांधी थे नंबर दो वाले में थे सबसे कठिन काम था अंग्रेजों के हंस हटाना तो जो लोग बार बार कहते हैं कि गांधी जी की वजह से आज़ादी नहीं मिली आज़ादी मिली इसलिए जो लड़ाई झगड़ा हुई जो लोग फांसी पर चढ़े जो गोली मारने में साथ दिए जो सेना इकट्ठा करके अंग्रेजों को भगाने के लिए लगे थे उससे गए पूरे देश लग गया लाखों लोग गए लाखों लोग जब आ गए तो अंग्रेज डर गए करेंगे क्या इसलिए गए ये बात नहीं है ने आपको बताया था ससुर भीड़ हुआ था जो कहते हैं जो दिखाते हैं गांधी मूवी में जब गांधी जी कहे कि वह हम नमक बनाएंगे हम क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था नमक आप नहीं बना सकते कहीं सला को तोड़ेंगे हम वो सभी इलाक को तोड़े जो गलत था वो नमक बनाएंगे और गांधी मूवी में दिखाते हैं कितने हजारों लोग जुटे नमक बनाने में पूरा देश ही जुट गया है एक वास्तविकता क्या था केवल सत्ताईस लोग थे सत्ताईस में लीडर गांधी जी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट हिला दिए यह गड़बड़ियां शुरू कहां से हुई गांधी जी का मूवमेंट हुआ दो तीन घटनाएं घटित हुई चौरी चौरा कांड में गांधी जी ने कहा था कोई भी आंदोलन करिए आप लड़ाई नहीं करेंगे आप गाली नहीं देंगे आप मारेंगे नहीं कोई गाली देगा उसको प्रेम से सहेंगे आप आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे गांधी जी चोरी चौरा कांड में नहीं थे लोग लड़ाई कर लिए भारत के लोग मार दिए पहले अंग्रेज मारा गया बैंक में था एक और मारा गया फिर इंडियन भी मारे गए फिर एफ हुई, भी फिर इंडियन का धर पकड़ होने लगी कौन मारा है उसी में तैयार हो गए चंद्रशेखर आजाद उसी में तैयार हो गए सारे लोग जो कहे जाते ना क्रांतिकारी क्रांतिकारियों का ग्रुप उसमें तैयार हो गया अगर लड़ाई झगड़ा न किए होते शांति प्रदर्शन किए होते तो अंग्रेज बहुत पहले ही चले गए होते लेकिन लड़ाई झगड़ा करके और शांति पैदा करके जब मार काट होने लगी मार काट होने पर हम नियम तोड़ेंगे तो हमें जेल होगी सजा होगी पुलिस पकड़ेगी तरह तरह की चीजें होंगी इसी में आज़ादी देर में हुई और देश भी इसी में बट गया नहीं तो बटता नहीं देश के बटने का भी यही कारण है जो देखिए वही दोष देता गांधी जी कारण देश बटा गांधी जी कारण ये हुआ वास्तविकता ये है ये सोचिए कि एक आदमी पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया अफ्रीका में दूसरे देश में जाकर के वहां तो कोई नेहरू नहीं गए थे न पटेल गए थे न जिन्ना गए थे वहां कौन था गांधी जी के साथ अकेले तो थे जब दूसरे देश में जाकर के सारी नियमौली को बदल दिया जो चाहे गांधी जी सबको मानना पड़ा तो अपने देश में तो और आसान है करना लेकिन यहां करने में दिक्कत इसलिए हुई गांधी जी की बातों को लोगों ने माना नहीं एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिए उनकी जो इच्छा थी उसके विपरीत जहां मार काट होने लगी किसी कोई चीज देखिए कि उस पर विश्वास ना करिए इतिहास क्या पढ़ने क्या सही है गांधी की मूवी देख रहे हैं जो क्या दिखाया जाता है इसमें आधा है दिखाते है, सही दिखाते ही नहीं है इसे सब पर विश्वास न करिए अपने पर विश्वास करिए हम जो चाहेंगे करेंगे हम क्या चाहते हैं अपने लिए हमें कोई मारे न हमारी मृत्यु न हो हमारी शक्ति बनी रहे वाइटलिटी बनी रहे इम्यूनिटी बनी रहे जो खाना खाऊं पच जाए वो खाऊं जिससे ताकत मिले सबकी सेवा करें यही तो हम चाहते हैं हम लोग यही हम सबके लिए चाहे अगर हम मरना नहीं चाहते तो हम किसी को मारेंगे नहीं हमें कोई अपशब्द कहे और अच्छा व्यवहार ना करे अच्छा नहीं लगता है तो हम नहीं करेंगे किसी के लिए कोई गलती करेगा हम नहीं करेंगे कोई गाली देगा हम नहीं देंगे कोई कुछ भी हमारे विरोध करेगा हम नहीं करेंगे इस सिद्धांत पर चलिए कभी पराजित नहीं होंगे हम लोगों ने वही यहां शुरू किया था उससे शासन बन गया ये किसी का विरोध लगा नहीं तो जब आप क्रिया योग अभ्यास करेंगे तो सारी शक्ति जो बाहर जाते भी है रागद्वेष के कारण खाने में क्या नमक कम है किसने खाना बनाया आज नमक ज्यादा पड़ गया किसने बनाया चाय में चीनी नहीं है ऐसे कैसे चाय बना दी स्वाद को लेकर के झगड़ा कौन सा रंग पेंटिंग कर दिए ये रंग क्या घटिया है ये कलर को लेकर के झगड़ा गंध को लेकर के झगड़ा कोई रूप देखिए अच्छा है बुरा है ये पेड़ ठीक है ठीक नहीं ये फूल अच्छा है फूल अच्छा नहीं हर जगह तो हमारा में फंसे है ना और रागद्वेश जब फंसते हैं तो शक्ति बहुत तेजी से बाहर जाती है जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो सच्चा प्रेम प्रकट होगा जिससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा हम वही खाना खाएंगे अच्छा नहीं लगता हम मन को विल पावर देंगे कि मन स्वीकार करे यह स्वाद अच्छा है अच्छा नहीं लगता तब भी मन आदेश देगा इंद्रियों को उसको खाएगी और अप्रिशिएट करेंगे इसलिए क्रियायोग ध्यान करना बहुत जरूरी है अनावश्यक देश के कारण जो शक्ति बाहर जा रही है लौट करके अंदर आने लगेगी जब अंदर जाएगी तो रीढ़ के अंदर शक्ति भरेगी जब यहाँ ज़्यादा होगी तो जो प्लेक्सेज हैं कॉक्सीजियल सैक्रल लम्बर थोरेसिक सर्वाइकल मेडुलरली सरिब्रल इनमें घर्षण होगा घर्षण होगा तो इसमें योग प्रकट होगी जिसे योगाग्नि कहते हैं योगाग्नि की तीव्रता बढ़ते बढ़ते ऐसे तीव्र हो जाएगी को इंट्यूशन की तरह काम करेगी जैसे एक पत्थर है एक कोयला है कोयले पर दबाव डालिए दबाव डालें घर्षण होगा उस घर्षण होते होते एक ऐसी स्थिति आती है कि को कोयला डायमंड बन जाता है तो ये अभ्यास कितना जरूरी है करना याद रखिए सब कुछ पा जाइए सारा पैसा पा जाइए घर मकान गाड़ी सब हो जाए परिवार अच्छा हो जाए पता नहीं कब अचानक चले जाएंगे कब कोरोना आ गया कब डेंगू आ गया कब एक्सीडेंट हो गया कब क्या हो गया क्या पता कब क्या हो जाएगा लेकिन जब अभ्यास करेंगे तो अपने अधीन होगा जब तक चाहेंगे पृथ्वी पर रहेंगे हम और जब चाहेंगे तब जाएंगे हम ऐसा हुआ है परम्मा सेवा को 1949 के आस ही जाना था ने प्लानिंग किया था कि समय हम काम करके चले जाएंगे काम नहीं पूरा हुआ तो फिफ्टी टू तक रुकी, तो 1950 तक रुकी। तो काम पूरा करके तब गए स्वेच्छा से गए जैसा चाहते थे उस तरह से गए हैं ऐसे गांधी जी जिस तरह चाहते थे उस तरह से गए हमारी बात कोई मान नहीं रहा है नेहरू पटेल सब लोग कहते हैं बापू जी आप इतना बहुत कर चुके अब आप आराम करिए हम लोग देख लेंगे उनकी सलाह किनारे कर दिया गांधी जी रहने की इच्छा खत्म कर दिए और कहीं कोई गुस्सीने पर गोली मारता और मैं उसको आशीर्वाद देता उस शिकायत न करता तुम गोली मारे क्यों भगवान से शिकायत न करते कि हमको जल्दी क्यों बुला ली हमें यह करना था काम और प्रभु का नाम लेते हुए शरीर छोड़ूंगा ऐसे ही हुआ जैसे गोली लगी गांधी जी तुरंत सिर उठा करके आशीर्वाद दिए हार से खून की धारा बह रही है फोटो है हमारे पास खून की धारा बह रही है बहुत तेज जब तो खून की धारा बहे तो वैसे भी कतम जान में गिर जाता लाल लड़खड़ा करके लेकिन खड़े हैं आशीर्वाद दे करके प्रसन्न चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा व्यक्ति की फिर शैंक कर गए हाथ जोड़ करके फिर धरातल पर लेट गए तीमत एक बहुत बड़ी भीड़ चाहिए काम करने के लिए गारंटी के साथ दस आदमी हाँ तैयार हो जाइए हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे कोई हमें गाली देगा हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कोई हमें मारने के लिए आएगा हम उसके बचाने के लिए खड़े रहेंगे जो हम चाहते अपने लिए वो हम सबके लिए करने के लिए तैयार रहेंगे अगर दस लोग एक तरह से तैयार हो जाए केवल एक देश ही नहीं पूरी दुनिया में बदलने के सामर्थ हो जाएगी गांधी जी तो अकेले थे ना उनका कोई साथ थोड़ी दिया अगर गांधी जी की तरह दस लोग हो जाएं, सभी राष्ट्र बदल जाएंगे कैसे बन जाएंगे गांधी जी की तरह जब क्रियायुग ध्यान करेंगे तो बन जाएंगे आप ये सब गांधी जी की तरह ही थे लेकिन लोगों को क्रियायोग करने का मन नहीं था इसे सब लोग क्रियायोग ही सिखाने में लग गए क्रियायोग करने से राजनीति कैसे होगी व्यापार नीति कैसे होगी शिक्षा नीति कैसे होगी पेड़ों की सेवा जानवर की सेवा कैसे करेगी ये बताने का समय ही नहीं मिला लोग तैयार ही नहीं थे सुनने के लिए लोग फंसे थे जातिवाद में अपने बाद में राग देश में इनको लेकर के उनको मारिए उनके साथ जुटिए उनको मार दीजिए ये हमसे झगड़ा किए थे वो बड़ा मजबूत है उसको बुलाते हैं उसको जमीन देंगे पैसा देंगे उससे मरवाते हैं कैसे अरेस्ट हुए थे पृथ्वीराज चौहान बुलाया गया ना मुस्लिम को अरेस्ट करने के लिए राणा प्रताप कैसे मारे गए थे भारत के लोगों ने मरवाया उनको ना यही तो हुआ था ऐसे समय में कौन क्रियायोग सीखेगा लाली महाशयगा किसी ये लोग उसी चीज को ले लिए बस क्रियायोग और महात्मा गांधी उसी क्रिया के शक्ति से थोड़ा आंदोलन कर दिए और आंदोलन करके दिखा दिया कि जो कहते थे सबको मानना पड़ता था क्या उनके अंदर शक्ति रहेगी सोचिए जेल में बंद है कैदी की तरह जब आ रहे हैं है, जब ट्रायल होता था बुलाया जाता था कि आए गांधी जी बयान दे क्या कहना है उनके जाते जज कुर्सी छोड़ कर जाते थे इस तरह से आत्मशक्ति तो विकसित करिए जैसे महात्मा गांधी में थी तभी राष्ट्र की सेवा कर मिलेगा अब वो समय चला गया कि हमें केवल क्रिया युग में ही जुटे रहना क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा अब लोग समझदार हो गए हैं कैसे सच्ची राजनीति हो उसका ज्ञान दीजिए लोगों को मिलेगा कैसी व्यापार नीति हो कि खरीदने वाला भी धनी हो बेचने वाला भी धनी हो दोनों धनी हो इसको सच्चा व्यापार नीति कहते हैं कैसे पेड़ों की सेवा करिए जानवर की सेवा करिए मानव की सेवा करिए ये समझने लायक लोग हो गए हैं किसी क्रिया का मूवमेंट और राष्ट्र निर्माण के साथ ये प्लानिंग करिए पुलिस को अच्छी तरह से करिए